बहुत अच्छे लगते आओ टिकटॉक बनाते हैं नेपाली में कैसे बोलेंगे हमरे टिकटॉक बनम ना जब नेपाल की लड़की हाँ बोल देगी। Hey guys, welcome back to my new vlog और अभी मैं हूँ इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल बीच में। ये जो फ्लाईओवर है कहते हैं भाई, ये जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर को भाई इंडिया और नेपाल ने मिल के बनाया है। इस फ्लाईओवर का नाम है इंडो और नेपाल फ्रेंडशिप जोन, ये फ्रेंडशिप फ्लाईओवर कह सकते हैं। तो चलिए भाई हम यहाँ से निकल चुके हैं बस नेपाल की तरफ। तो यहाँ पे कस्टम वाले सर है, तो सर मुझे इंडिया का फ्लैग गिफ्ट करते हुए थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो ये मैं अपने इस फ्लैग को सर मैं लगाऊंगा यहाँ पे बैग में। थैंक यू सिस्टम लॉक, थैंक यू सर। मैं पहुँच चुका हूँ नेपाल चेक पोस्ट पे और ये देखिए सामने है नेपाल का फ्लैग, ये देखिए आप दिख रहा होगा। तो चलिए भाई नेपाल बस एंट्री कह सकते हैं, हम यहाँ से एंट्री बिल्कुल से बिल्कुल कर चुके हैं। अपनी करेंसी चेंज करा ली है, 1000 रुपये मुझे मिला, 1560 रुपये ये है नेपाली करेंसी। तो ये देखिए गाइस कुछ ऐसी नेपाली करेंसी दिखती है, आप देखिए ये है कुछ, ये देखिए ये गाइस मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। देखिए ये है 10 रुपये, ये है 50 रुपये और जो अपने इंडिया में बैन हो चुकी नोट ये है 500 रुपये, 500 रुपीज़ का है। और ये देखिए 500, 500, 1560 रुपये। तो चलिए गाइस अब निकलते हैं नेपाल की तरफ यानी कि काठमांडू, और ये करेंसी भाई काम आने वाली है नेपाल में। सब लोग इंडिया में कहाँ से हो? अच्छा आप लोग तो आप शिलांग से? मैं तो बहुत खतरनाक हूँ, बहुत खतरनाक है, बहुत चिल्लाती है पक्का। पक्का पक्का बहुत गुस्सा करने वाली लड़की है, बहुत गुस्सा करने वाली लड़की है। बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत खतरनाक है लड़की सच में। क्या नाम है? नंदनी। सबके दिल में नंदनी। पूछ रहे मेरे बैग में क्या है तो बता दूंगा इस क्या है इसमें, अंतरिक्ष यात्री बैग। सबके जाना अच्छा आओ टिकटॉक बनाते हैं इसको नेपाली में कैसे बोलेंगे? आमरे टिकटॉक बनम ना, कैसे बोलेंगे? आओ ना सब को, सब को टिकटॉक टिकटॉक बनाऊ ना, टिकटॉक बनाऊ ना, जल्दी से भागू ना, जल्दी से खाना खाऊ ना। आप लोग ऐसा करिए मुझसे ट्रेनिंग लीजिए, मैं महीना का 5000 देता, आप लोग मुझे 5000 देता मैं आपको 1 महीना में पूरा सिखा देता नेपाली भाषा। सही बात है, सही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। इंडिया में कहाँ? मतलब नोएडा सेक्टर से। ओके ओके। फिर गुड़गांव। गुड़गांव। हाँ गुड़गांव, 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 गुड़गांव। तो इंडिया कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अरे तो हम चाहते हैं कि नेपाली लड़की शादी कर ले। हिंदी हमारा ब्रदर सब बेटा हुआ। तो आप लोग कहाँ से हो? हम लोग यहाँ से पास इटारी से, काला नहीं आ, मैं इंडिया से, उत्तर प्रदेश कानपुर। हम इंडिया से ही आए। इंडिया से आए हो? कहाँ से? इंडिया में? हैदराबाद। हैदराबाद स्टडी करने आया हूँ। नेपाल में स्टडी करने? भाई साहब सही है, नेपाल पसंद नहीं आया, नेपाल अच्छा लगा। सही है भाई, लोगों को नेपाल अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा भाई। नेपाल की देखकर नेपाल की लड़कियां काफी अच्छी लगी सही में। नेपाल बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं आए। मुझे तो इंडिया की लड़की मन पड़ती है। इंडिया की लड़की अच्छी लगती है। चल भाई गर्लफ्रेंड है इंडिया में? तेरा ससुराल इंडिया, मेरा ससुराल नेपाल, हम लोग का ससुराल नेपाल। नहीं जब नेपाल की लड़की हाँ बोल देगी। बोला शादी कब करोगे? हमें लड़की, ओ भैया हम तो लड़की नहीं खो देंगे। तो लगता है स्टूडेंट को, एज ए स्टूडेंट खिलना भी बुरा चीज है। चलो और कुछ को लगता? नहीं मुझे अच्छा चीज लगता है। अच्छा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो, तुम लोग को कैसा लगता है लव?
शर्मा रही है लड़कियाँ, लव का चक्कर है बाबू भैया। कुछ भी करो, कुछ भी करो, मत प्यार मत करो, प्यार डिस्ट्रॉय करता है। धोखा मिला, हाँ धोखा मिला, धोखा मिला, धोखा मिला, धोखा मिला, पीछे भागेंगे। ऐसा है, कितने पीछे हैं आप लोग के? मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा पता है। हम लोग पहुंच चुके हैं काठमांडू लगभग। सो फाइनली गाइस हम काठमांडू यानी कि नेपाल में पहुंच चुके हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।